सेकंड मई को जब बेल रजिस्ट्रेशन हुआ वहाँ पे, जैसे ही बेल रजिस्ट्रेशन का खबर लोगों का अंदर में जाने लग गया, जैसे मैंने आपको मैं बता रहा हूँ कि FIR तीन जगह पे हुआ था, केवल तवा में नहीं बल्कि वेस्ट कवा में दो जगह पे हुआ था, लोगों का बीच में एक डर था कि उनके जो लीडर हैं, उनके जो लामा लोकसान कैसो जो जनरल सेक्रेटरी है, उनको वहाँ से लिया जाए वहाँ पे वेस्ट कमे में, फिर उनको वहाँ पे डाल देंगे या रास्ते में मार देंगे, एक डर था। तो पब्लिक जानना चाहते हैं कि उनका लीडर कहाँ गया। तो पुलिस ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल और पुलिस ने कहा कि आप आकर देख लीजिए, दो दिन अंदर आके देख लीजिए। वो गेट पर था, पब्लिक वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारा लीडर को छोड़ो। तब उन्होंने क्या किया कि दो दिन जब अंदर जाने लग गया, तो दो दिन के साथ में और पब्लिक आने लग गया, तो पुलिस को ये लगा होगा कि क्राउड अंदर आना शुरू हो गया, तो इतने में फायरिंग शुरू हो गया। वार्निंग बिल्कुल नहीं था वहाँ पे, ना वाटर कैनन का यूज़ किया गया, ना टीयर गैस का, ना हवा में फायरिंग किया गया। हमारे जो पद्म संभावा का जो तीर्थ स्थल है उसी को नष्ट किया जाएगा। जैसे कि एक स्तूपा है, जैसे कि नेपाल में एक बौद्धनाथ टेम्पल में हम लोग बोला जाता है रिप्लिका ऑफ बौद्धनाथ टेम्पल, उसी की तरह हम लोग वहाँ में एक एकदम होली स्तूपा है, उसका नाम है गोर्धम छोटदिन, उसको भी मतलब इफेक्ट होगा ये डैम बनने से। एक तरफ से ये जो NSPC का जो डैम बनाने का जो साइट है, जो एरिया है, उसी में भी बहुत सारे जो तीर्थ स्थल है जो कि परंपरा से हम लोग आ रहा है। जैसे कि एक सुमंग बोल के एक है, वो भी मतलब पद्म संभावा का ब्लेसिंग से वहाँ पर कुछ तीर्थ स्थल है। वहाँ में हम लोग एक परंपरा है कि मतलब हम लोग को जो लास्ट में जो अंतिम संस्कार करता है, अंतिम संस्कार करने से वहाँ में अपना जो शव वहीं पर छोड़ा जाता है, उसी को ही मतलब नष्ट करेगा। एक वो है हॉट स्प्रिंग, हॉट वाटर भी एक औषधि की तरह है, जहाँ पर हम लोग नहाता है, टूरिस्ट लोग भी बहुत आते हैं वहाँ में। हम लोग वहाँ में नहाने से अपना जो बीमारी ठीक होता है, उस वो सब मतलब नष्ट होता है, इसी यही बोलना चाहता है। और जो जैसे ब्लैक नेक क्रेन का जो हमने बताया, वो हमारे सिख दलाई लामा से लेकर अभी तक हमारे जो बौद्ध धर्म के जो समय है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक पक्षी रहा है। हम तो उसको कभी कभी तो उनको भगवान की चिड़िया भी बोलते हैं, उनको भगवान के पक्षी भी बोलते हैं। नहीं चलेंगे डैम तुम्हारे, नहीं चलेंगे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे दोषों को सजा दो। वैसे हम लोगों को इतना ज़्यादा ये डैम बनाने से ऐसा को इतना ज़्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन जब ये जो 2011 में हम लोग ये सब जो ये सरकार और ये जो हमारे जो बड़े बड़े जो लीडर हैं उन लोगों का बात को अच्छा से हम लोग ने मालूम पड़ा कि वो जो बनाने वाला है, सरकार भी चाहते हैं कि ये जो बनाना है, तो उसी समय में ये हमारे ये जो सेब मॉन रीजन फेडरेशन के कोई ये जो मेंबर लोग दिल्ली में आकर के खोज किया कि मतलब ये थोड़ा हो के जानकारी प्राप्त किया कि डैम बनाने से क्या होता है। उसके बाद हम लोगों को तो इतना मालूम नहीं कि हम लोग तो रिमोट एरिया का है, ज़्यादातर लोग तो अनपढ़ है, लेकिन यहाँ आकर के हम लोगों ने ऑफिस कहाँ है, उसके लिए किससे संपर्क करना है, सभी जानकारी प्राप्त कर ले, इसी से हम लोग उसी समय से ही हम लोग शुरू किया है। उस दिन किरण सर ने ये जो मिडिल के उत्पाद का बात कही है, मैं उसी से मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये जो ये पूरा हादसा पूरा होने के बाद पीस कमेटी बनाता है और बोलते हैं कि ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी बोलते हैं कि ये जो बात जो मैसेज है बाहर में फैलने मत दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं कि अगर फैलने देने से ये जो ये हमारा तवांग इलाका है बहुत शांतिपूर्वक हिडन पैराडाइज बोला जाता है, अगर ये जो दूसरे लोग अगर सोचा जाए तब तो उसके लिए इतना अच्छा नहीं होगा, ऐसा बोल। इसका मतलब है कि ये जो हमारा जो मुद्दा है उसको अपने आप ख़त्म करने का वो इरादा है, ये बोलना चाहता हूँ।